हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष शर्मा। आज आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो गाइस, ये देख रहे होगे अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ। देखो, आगे तीन राइडर और जा रहे हैं और बीच सबसे लास्ट में मैं चल रहा हूँ टेल पर अभी। तो अभी क्या है कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई हाईवे वाली जो माइलेज है उसके बारे में बताओ, क्योंकि बहुत लोगों को टूरिंग करनी है एंटॉक के ऊपर। तो भाई देखो, अभी मैंने ना इसका फ्यूल डलवाया था। हमारी स्पीड में पहले सबसे पहले बता देता हूँ, एक तो स्ट्रेट रोड है, कभी कभी फ्लाई ओवर आ रहे हैं, कभी नीचे उतर रहे हैं, फ्लाई ओवर आ रहे उतर रहे हैं, ये हो रहा है। और उसके अलावा क्या है कि स्ट्रेट रोड पर हम चल रहे हैं, कभी कभी हम 70-75 पहुँच जाते हैं, कभी कभी हम 60-55 ऐसे रहते हैं। मतलब हमारी ऐसे कंटिन्यूस स्पीड नहीं है कि हम 70 पे ही चल रहे हैं, 80 पे ही चल रहे हैं, कभी 80, कभी 70, कभी 60, इस तरह से वैरी कर रहे हैं, ताकि हमारे इंजन में भी लोड ना पड़े और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी हो। तो इसीलिए ना, अब देखो 54.5 किलोमीटर चल चुकी है ये, मैंने फुल टैंक करवाया था। 54.5 किलोमीटर के बाद भी एक ब्लॉक भी नहीं गिरा है इसका। इट मीन्स इसकी माइलेज अभी ना, मतलब अभी आपको मैं सारे शॉट्स दिखाता रहूँगा जब जब इसके पैरा ब्लॉक गिरेगा और जब इसकी एवो लगेगी, मतलब रिजर्व लगेगी, वो वाले शॉट्स मैं डाल दूंगा इसके अंदर, आप देख लेना आगे इसी वीडियो के अंदर। छोटी सी वीडियो रखूंगा सिर्फ ये माइलेज के लिए होगी। अभी मैं देखो राइड पर हूँ, इस वजह से आप सबको दिखा पाऊंगा, अदरवाइज यार कुछ नहीं पता कि लोग क्या बोलते होंगे, क्या करते होंगे। वैसे मैं बता देता हूँ पहले ही, और आगे चलो बता नहीं रहा, फिर यार इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो में देखोगे छोड़ के भाग जाओगे, लास्ट तक देखना, माइलेज पता चल जाएगी अब कितनी माइलेज आ रही है। बट फिर भी बता रहा हूँ अच्छी माइलेज है, गैस करो कितनी है, ठीक है। और आगे जब जब ये ब्लॉक गिरेंगे तब तक मैं आपको वीडियो ऑन करके बताता रहूँगा। गाइस, पहला ब्लॉक 64 या 65 किलोमीटर पर गिरा था और अभी 70.2 किलोमीटर हो चुके हैं। अब मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ ब्लॉक जितने भी लिंक गिरेंगे रिजर्व लगने तक मैं आपको दिखाऊंगा कितना होगा। उसके बाद दिखाऊंगा रिजर्व के बाद जब पेट्रोल डलवाता हूँ कितने किलोमीटर बाद डलवाता हूँ और कितना बच के आता है, मतलब पेट्रोल कितना ऐड होता है, क्योंकि फुल टैंक ही करवाते हैं राइड के टाइम पे हम। ये नहीं कि 4 लीटर वाले डलवा रहे हैं, फुल टैंक ही होता है ऊपर तक, क्योंकि फिर बार बार कौन रुके इस चीज़ के लिए। अभी देख लो आप 64 किलोमीटर्स, नोट कर लो भाई, मैं उस टाइम फुटेज नहीं बना पाया, समझो ट्रैफिक थोड़ा तेज चल रहा है, कंडीशन आप देख सकते हो, अभी नाइट हो रही है, एग्रेसिव ड्राइविंग हो रही है, इस वजह से थोड़ा वीडियो नहीं बना पाया। बट 64 किलोमीटर पर इसका फर्स्ट ब्लॉक गया है, आगे मैं आपको और सब दिखाता हूँ, नहीं कर पाया। और ये 94 पर गिरा है, 94 मान लेते चलो। गाइस, का थर्ड पॉइंट गिरा है 135 पर और अभी 137 हो गए, मैं वही बोल रहा हूँ, बार बार डिले हो जाता है। देखो पॉइंट गिरता है ना, मैं एकदम सेकंड में ही ऑन नहीं कर पाता और इतने में किलोमीटर निकल जाते बहुत सारे। तो 135 पे इसका सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट गिरा है, सॉरी 12, हाँ सेकंड या थर्ड जो भी पॉइंट है, देख लो इतने 3 पॉइंट रह गए हैं इसके। गाइस, मैं आपको बता रहा था कि लास्ट के 2 पॉइंट जो बचे हैं 160 किलोमीटर पर इसका जो लास्ट ये वाला पॉइंट है वो गया है, और अभी भी 2 पॉइंट बचे हैं, देखते हैं रिजर्व कब लगता है। और आगे मिलते हैं आपको, 10:38 हो गए हैं रात के और अभी भी हम स्टिल चल ही रहे हैं। गाइस, जो फ्यूल रिजर्व पे लगा है वो है 182 पर मेरा रिजर्व में लगा है ये। कितनी चली? 214 किलोमीटर चल चुकी है ट्रिप ए पे। उसके अलावा इसके अंदर अभी रेस्ट पेट्रोल था 3.32, मतलब 700 ml पेट्रोल और था। अगर ऐसे देखा जाए ना तो आराम से पूरी 50 की एवरेज दिया, और मैं पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा। गाइज, होप करता हूँ आपको ये माइलेज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। सच बता रहा हूँ, मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रखी है इस टाइम में, मुझे नहीं पता मैं कैसे स्कूटी चला रहा हूँ, सीरियसली नहीं पता मुझे कि मैं कैसे स्कूटी चला रहा हूँ, बस चला कर लेके जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। और अगर माइलेज वाली वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को। बाय, बस मुझसे नहीं बोला जा रहा, सीरियसली टाटा बाय।